कि जिसने ये काम किया है उसको फांसी की सजा हो। जहाँ जरूर पड़ेगी वहाँ पे हम पुलिस बंदोबस्त भी साथ साथ लगाएंगे। खचा खच भरी बस में सवार डरे सहमे लोग किसी तरह गुजरात की सीमा से निकलने को बेताब हैं। डर इस कदर छाया है कि पुलिस प्रशासन पर भरोसा तक नहीं। परेशानी है हमको, धमकी आते हैं, इधर से भागो नहीं तुमको मार देंगे, काट देंगे। अहमदाबाद से पलायन की ये तस्वीर 24 घंटे पहले की है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मजदूर बोरिया बिस्तर समेत भागने को मजबूर हो गए। धमकी के बाद इन्हें डर है कि गुजरात नहीं छोड़ा तो मिटा दिए जाएंगे। वो मानस भगा रहा है, तो जाने तो पड़े, बच्चे छोटे छोटे मर जाएंगे तो कौन पालेगा ये बच्चे को, कोई पालने वाला हो या साथी, इसके लिए जाते। पलायन की तस्वीर गुजरात के कई हिस्सों में दिख जाएगी। गैर गुजराती डरे हुए हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हिंसा की घटना बढ़ी तो पुलिस हरकत में आई। आनन फानन में सैकड़ों लोग धर लिए गए, गैर गुजरातियों को सुरक्षा दी गई, उनके घरों पर पहरे बिठाए गए। फैक्ट्रियों के आसपास भी पुलिस की मुस्तैदी बढ़ गई। लोगों के पलायन को रोकने के लिए और एक बार फिर भरोसा जीतने की कोशिशें तेज हो गई हैं। साबरकांठा के एसपी ने लोगों के साथ बैठक की, सुरक्षा का भरोसा दिया। सुरक्षा के लिए जो सेंसिटिव पॉइंट है, सेंसिटिव फैक्ट्रीज है, वहाँ पे एडिक्वेट फोर्स रखा गया हुआ है। पेट्रोलिंग स्कीम हर एक पुलिस स्टेशन की, 2-3 फैक्ट्रियों के लिए पेट्रोलिंग स्कीम, जिले के लिए, तालुका के लिए, पुलिस स्टेशन के लिए पेट्रोलिंग स्कीम बनाई गई हुई है। PSI से लेके सीनियर अधिकारी तक सबको पेट्रोलिंग स्कीम दिया गया हुआ है। और खासकर जो सेंसिटिव एरिया, सेंसिटिव टाइम, उस पर हम खास ध्यान रखा जाता है। दरअसल गुजरात के साबरकांठा में बच्ची के साथ बलात्कार के आरोप में पुलिस ने बिहार के एक शख्स को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के बाद यूपी बिहार के लोगों पर हमले बढ़ गए हैं। गांधीनगर, अहमदाबाद, साबरकांठा, पाटन और मोहसाना में इसका असर ज्यादा देखने को मिला। सोशल मीडिया के जरिए बाहरी लोगों के खिलाफ जहर घोला गया, जिसके बाद तोड़फोड़ और आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने ताबड़तोड़ गिरफ्तारी कर गड़बड़ी को दबाने की कोशिश की। 6 जिलों में 50 से ज्यादा केस दर्ज किए गए, 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आला अफसरों को पलायन रोकने की कोशिश तेज करने का आदेश जारी हुआ। 6 मेजर जिले के ऊपर असर आई है, सुरेंद्रनगर में एक छोटा सा इंसिडेंट है, पर जो मेन जिले प्रभावित हुए थे वो मेहसाना और साबरकांठा है, और अहमदाबाद शहर का थोड़ा एरिया एक साइड का था, वो मेन प्रभावित हुए थे। इन 7 जिलों में और शहर के अंदर 42 गुने दाखिल हुए हैं। उधर गुजरात के कारोबारी भी बुरी तरह परेशान हैं। मजदूरों के पलायन से उनके फैक्ट्रियों में ताला लटकने का खतरा बढ़ गया है। यहाँ से SP साहब ने एक आज मीटिंग का प्लानिंग किया था कि भाई ये जो बाहर के लोगों को अंदर जो एक डर पैदा हो गया है कि हमको मार के भगाएंगे, ऐसा जो डर था उसके लिए आज का मीटिंग था वो बहुत सक्सेसफुल रहा। SP साहब ने जो सब लोगों को समझाया कि भाई ये ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रभावित जिलों के पुलिस कर्मियों की छुट्टियाँ अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दी गई हैं। सुरक्षा बलों की 17 कंपनियां जिलों में तैनात हैं। पलायन रोकने और लोगों का भरोसा जीतने की कोशिशों में प्रशासन जुटा है, लेकिन ये कोशिश कितना रंग लाएगी ये कहना फिलहाल मुश्किल है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।